जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको एनएसजी कमांडो के अचीवमेंट्स के बारे में बताऊंगा। भारत में एनएसजी कमांडो की स्थापना के बाद जब जब भारत को कोई ऐसे फोर्स की जरूरत पड़ी है जो इंटेंस सिचुएशन को हैंडल कर सके, काउंटर टेररिज्म को हैंडल कर सके, तब तब एनएसजी कमांडोज को वहां पर डिप्लॉय किया गया है और उन्होंने बखूबी अपना काम निभाया है। और यही अद्भुत वीरता, साहस, पराक्रम और बलिदान के लिए एनएसजी कमांडोज को पीस टाइम गैलेंडरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। एनएसजी कमांडोज के अचीवमेंट का लिस्ट शुरू होता है अक्षरधाम टेंपल में जब आतंकवादी हमला कर देते हैं। पाकिस्तान से आए हुए कुछ आतंकवादी गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर अटैक कर देते हैं। बच्चे, बूढ़े, औरत किसी को नहीं बख्शते हैं। अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। घटना को संभालने के लिए वहां एनएसजी कमांडोज को डिप्लॉय किया गया और एनएसजी कमांडोज ने एक बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन को अंजाम दिया। नाम था ऑपरेशन वज्र शक्ति। इस ऑपरेशन में अचीवमेंट का पहला नाम है कैप्टन राजेश शर्मा, जो एनएसजी के एक स्पेशल एक्शन ग्रुप के कमांडो है। ऑपरेशन में अद्भुत वीरता के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। दूसरा नाम है सेपॉय सुरजन सिंह। ऑपरेशन वज्र शक्ति में अद्भुत साहस और वीरता के लिए इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। सेपॉय सुरजन सिंह के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। इस ऑपरेशन में तीसरा नाम है सुबेदार सुरेश चंद्र यादव, जो कि महार रेजिमेंट से थे। ऑपरेशन वज्र शक्ति में इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और अपनी प्राण की आहुति दे दी। इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अक्षरधाम टेम्पल में हुए भयानक आतंकवादी हमले को कैसे एनएसजी कमांडोज ने न्यूट्रलाइज किया, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। ऑपरेशन वज्र शक्ति के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। ऑपरेशन वज्र शक्ति के बाद जो उत्कृष्ट युद्ध कौशल, साहस का प्रदर्शन एनएसजी ने किया है, वो है 26/11 मुंबई हमले के वक्त, जब ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के तहत मुंबई में घटित होने वाली एक भयानक आतंकवादी हमले को रोका था और आतंकवादियों को ठोका था। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में सबसे पहला नाम है मेजर संदीप उन्नकृष्णन का, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। संदीप साहब इंडियन आर्मी के बिहार रेजिमेंट से आए हुए 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप का एक कमांडो थे। 26 जनवरी 2009 को इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में हीरोइज्म का दूसरा नाम है कैप्टन अमरितेंद्र कुमार सिंह, जो इंडियन आर्मी के आर्टिलरी से थे। इन्हें अद्भुत वीरता और साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तीसरा नाम है नायक पीवी मनीष साहब, जो इंडियन आर्मी के मद्रास रेजिमेंट से थे। इन्हें भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। चौथा नाम है सिपाही वी सतीश साहब, ये इंडियन आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स से थे। इन्हें भी अद्भुत वीरता और साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। पांचवा नाम है हवलदार गजेंद्र सिंह साहब, जो पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो थे, उसके बाद वो एनएसजी ज्वाइन करते हैं। इनकी अद्भुत वीरता, साहस और पराक्रम के लिए इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में इन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दी, अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों को ठोका और खुद अपने प्राण की आहुति दे दी। लेकिन इंटरनेट, सोशल मीडिया और टीवीज पर ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में आपको सिर्फ मेजर संदीप उन्नकृष्णन साहब का ही नाम मिलेगा, लेकिन उसके अलावा भी चार ऐसे कमांडोज थे जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनमें से एक अपने प्राण की आहुति देकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। एनएसजी के अचीवमेंट का आखिरी पहलू है ऑपरेशन धांगू सुरक्षा। घटना है 2016 की, जब पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी इंडियन एयरफोर्स के पठानकोट एयरबेस में अटैक कर देते हैं। इस भयानक सिचुएशन को सुलझाने के लिए एनएसजी कमांडोज को वहां पर डिप्लॉय किया गया और वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन साहब ने एक अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया, जो कि इंडियन आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक सिपाही थे। उसके बाद उन्होंने एनएसजी ज्वाइन किया। इस ऑपरेशन में उन्होंने अपनी प्राण की आहुति देकर भी आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज्ड किया। इसके अलावा भी एनएसजी के अचीवमेंट के लिस्ट में 13 सेना मेडल भी मौजूद है और ये 13 सेना मेडल्स एनएसजी के ऑपरेशंस के द्वारा दिए गए हैं। जिस ऑपरेशंस में एक सिपाही अपनी जान को हथेली में डालकर हमारे लिए लड़ता है, चाहे वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हो चाहे काउंटर इंसर्जेंसी, जान की बाजी लगाकर ये सोल्जर्स हमारे लिए लड़ते हैं और उसके बाद उन्हें ये गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी उनकी शौर्य की गाथा कभी खत्म नहीं होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।